हे गाइस, वेलकम टू मैच एन लीबी रॉक्स टीम। यहाँ पर सी एफ लीग का मैच हो रहा है, BWL वर्सेस PSV के बीच। देन बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, देन BWL एंड PSV के अंदर मैं PSV टीम को फेवर करूंगा। एंड PSV टीम बहुत खतरनाक टीम है, मतलब PSV टीम के कई मेन प्लेयर तो शायद नहीं भी खेलेंगे, लेकिन इनका सब्स्टिट्यूशन अब समझ में नहीं आ रहा है भाई। कभी करते हैं, कभी पूरी टीम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कभी नहीं करके, कभी एक भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट नहीं करते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं ना। ये कोई रिकॉर्ड बताते हैं पिछला CF लीग का कि क्या हुआ है, इनके पास गोल गोल रिकॉर्ड ही नहीं है भाई मैच का। CF लीग वैसे तुम बोलते हो बड़ी लीग है, एक बंदे का इनके पास रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ है। और दूसरी एक और बात, जैसे गोल होता है ना, गोल पे नाम ही नहीं देंगे किसने किया है, वो तो मेरे को हमें देखना पड़ता है एप्लीकेशन पे कहाँ से हुआ है, नाम ही नहीं आएगा गोल का। अलग कहीं ऐसी एप्लीकेशन है, नाम ही नहीं देंगे, इनको खुद नहीं पता कि गोल कौन कर गया। और एक बार में कई बार 22 प्लेयर खिलाते हैं 45 मिनट, वो 45 मिनट अगले 11, और कई बार एक भी नहीं खिलाते। समझ से बाहर है भाई ये लीग, समझ से बाहर होती जा रही है। बहुत फ़र्क आया 2022 से यहाँ पर। 22 की जो सीरीज़ थी वो अपने हाथों की, अपने दिमाग पे चलती थी, जैसी जो सोचते थे वो होता था। यहाँ तो जो सोच रहे उल्टा हो रहा है, इसलिए देख के खेलना है मैच। तो बात करें, LD जोंग को यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो ल्यूक डी जोंग बहुत अच्छा है, अब मेरे को क्या पता कि इनके दिमाग का ये किसको भेजेंगे। ये आर पेपी को भेजने वाले हैं, जी टिल को, क्योंकि कल को नहीं भेजते तो 45 मिनट बाद भेज देंगे। गोल तो आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत चंट है, इसलिए मैं अभी तो देखो किसी को लेने की राय नहीं दूंगा। मैं आपको इतना कहूँगा, BWL टीम का रिकॉर्ड है नहीं, और जो इनका इंटरनल रिकॉर्ड है लीग का वो किसी काम का है नहीं। तो आर सेल्स ही बनता है यहाँ पर, रिस्क लेना बनता ही नहीं है स्ट्राइकिंग में, मैं आपको ज़रा सा भी बता दूँ। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, यहाँ पर स्टैवियर सिमंस सबसे बाप खिलाड़ी जिसको हम कह सकते हैं वो है, और AL गाजी ने तो गोल भी किया है इस सीरीज़ में। लास्ट 2-3 दिन पहले एक मैच हुआ था PSV टीम का, जिस मैच में AL गाजी का एक गोल भी आया था। तो एक हैट्स ऑफ इस खिलाड़ी को कि अच्छा खेल रहा है। एंड आगे से अगर बात करें एक और खिलाड़ी की, तो आप यहाँ पे ना अगला खिलाड़ी जो लेंगे वो PSV का होना चाहिए। और कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आप वीरमान को ले लीजिए, ठीक है, या आप ले लीजिए एन लैंग को। अब सुन लो इन दोनों में से, और अगर बाकायो को खेले तो अच्छी बात है, नहीं खेले देन वीरमैन, या फिर स्ट्राइकिंग के अंदर आर पेपी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जी टिल, आर पेपी एंड वीरमैन आर द मेन प्लेयर्स। वीरमैन असिस्ट में ध्यान देता है, जी टिल गोल में देता है। पाँच लेना चाहो तो पाँच भी खिलाड़ी ले सकते हो, क्योंकि ये CF लीग है, इधर डिफेंडर का कोई काम नहीं है। यहाँ पर डिफेंडर आएगा, गेंद पास करके चला जाएगा। असिस्ट में नाम तक बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने गोल होते हैं वो स्ट्राइकर के बोल बूते पे होते हैं। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर है पी वैन एन हॉल्ट के बाद जो अगला प्लेयर है वो है रेमेलो, ठीक है। रेमेलो इज़ अ मेन प्लेयर एंड ओबिस्पो, ये तीनों मेन है। एक आधा जरूर ड्रॉप करूंगा अगर मेरे को चेंज करना होगा, पहले ही बता रहा हूँ। और गोल कीपिंग में बात करें, देन एंस्मिट को यहाँ पर हम लेंगे। एंस्मिट के बाद डिफेंडिंग के अंदर लूँगा विंड हैगर को, ठीक है, विंड हैगर के बाद देखिए मिडफील्डर जो आपने लेना है, आप यहाँ पर ले सकते हैं एस पीरकल को। और हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या करना है आपने, इसको निकाल दो विंड हैगर को, काम का नहीं, मैं भूल गया था, मैं CF लीग, मेरे को याद आया CF लीग है, CF लीग में तो काम ही नहीं है डिफेंडर का। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर इनका जो भी मिडफील्डर खेलेगा ले लेना, क्योंकि वो पॉइंट देगा, आपको पहले बता रहा हूँ, भले वो 45 मिनट अभी दे या बाद में। इसलिए ब्रैडनर को ले लो, ब्रैडनर उससे बेटर खेलेगा। यहाँ पर सिलेक्शन इसकी कितनी है पता है, इसकी बंदे की सिलेक्शन है 3%, उसकी कितनी है 96, फ़र्क देखो। मैं चाहता विंड हैगर को ले सकता था सेफ जाने के लिए, लेकिन मुझे लालच नहीं है इस चीज़ का। एंड बात करें यहाँ पर कैप्टन की, तो सबका कैप्टन वीरमैन है, बट मैं आपको राय दूंगा कि आपको अपना कैप्टन रखना चाहिए स्टैवियर सिमंस को, एंड वाइस कैप्टन LD जोंग को, क्योंकि LD जोंग इज अ पेनल्टी टेकर एंड सिमंस का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। सो सिमंस का 21-22 का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था, अब 23 का रिकॉर्ड कैसा होगा आई डोंट नो, ठीक है। अभी हाफ ऑफ द ईयर निकल चुका है, इतना खास रिकॉर्ड तो है नहीं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन को रिवर्स भी करते हैं तो और फायदा भी आपको मिल सकता है, तो आप बैकअप टीम के साथ भी जा सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।